बढ़ेंगे आगे की खबर की ओर और बात करेंगे अमेरिका में 9/11 हमले की बरसी की। तो आज 13वीं बरसी है, लेकिन वो ऐसा दिन था जिसने अमेरिका सहित पूरे देश को हिला के रख दिया था। कुछ लोगों के जख्म अभी भी आज भी उन्हीं परिस्थितियों में ताजा हैं। एक खास रिपोर्ट। न्यूयॉर्क की वो सुबह बिल्कुल आम दिनों की थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लोग दफ्तर के लिए घरों से निकल रहे थे, बच्चे स्कूल की तरफ रवाना हो रहे थे। लोग इस बात से अनजान थे कि मंगलवार का दिन कितना अमंगल साबित होने वाला है, जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। 11 सितंबर 2011 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करने वाले लोगों को शायद इसका अंदाजा नहीं था कि इमारत पर एक बड़ा हमला होने वाला है। मगर कुछ लोग इस साजिश को अंजाम देने में काफी पहले से जुट गए थे। अमेरिका का 4 विमान हाईजैक कर लिया गया था। हाईजैकर्स का मकसद था फिदाइन हमला। विमान अपने टारगेट की ओर रवाना हो चुका था। सबसे पहले अमेरिकन एयरलाइंस का विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जा टकराया। इसके ठीक 17 मिनट बाद साउथ टावर से भी एक विमान टकराया। एकाएक हुए इस हमले ने लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं दिया। इमारत के कई कर्मचारी तो इस ऊंची इमारत से छलांग लगाने लगे। चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था। अंदाजा लगाना मुश्किल था ये हुआ तो हुआ कैसे। पुलिस इमारत के आसपास की जगहों को खाली कराने में जुट गई। लोगों में भगदड़ मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या आखिर करे भी तो क्या। अमेरिका की शान कही जाने वाली इस ऊंची इमारत पर हुए हमले की निशानी दूर दूर तक देखी जा सकती है। सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ही नहीं, आसपास की इमारतें भी इस भयानक हमले से दहल गईं। कई बिल्डिंगों को भारी नुकसान हुआ। उसके कुछ देर बाद एक विमान वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन से जा टकराया और एक आखिरी हाईजैक प्लेन पेंसिल्वेनिया के शांक्स विले में जाकर गिरा और इसका मलबा दूर दूर तक फैल गया। इस घटना ने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। करीब 3,000 लोग मारे जा चुके थे और करीब 6,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हमले ने दुनिया की तारीख बदल कर रख दी। अमेरिका ने शुरू कर दी थी अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग, जिसका खामियाजा अफगानिस्तान और इराक को भुगतना पड़ा। तेरह साल बाद भी इस हमले के जख्म बाकी हैं। उन लोगों के लिए ये भूल पाना मुश्किल है कि किस तरह उन्होंने अपनों को खोया था। इस हादसे ने जो जख्म दिए वो आज भी हरे हैं। कई पीढ़ियों तक इसे भूल पाना नामुमकिन है। कुछ जख्म सदियों बाद भी ताजा रहते हैं। वक्त के पास भी हर मर्ज की दवा नहीं होती। श्री न्यूज के लिए शारिकुल हुदा की रिपोर्ट।